इस वक्त हमारी मौजूदगी अटारी वाघा बॉर्डर पर है, लेकिन कच्चा चिट्ठा में जो अगली रिपोर्ट आप देखने जा रहे हैं वो पुतिन को परेशान कर सकती है। दरअसल यूक्रेन की सेना में ताकत भरने के लिए अमेरिका ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अमेरिका ने 2 लाख करोड़ के हथियार देने का फैसला जेलेंस्की की सेना के लिए कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी परेशानी के तौर पर अब देखा जा रहा है। और पश्चिमी मीडिया में तो इसे पुतिन के लिए मिटाने वाला एक खूनी पैकेज तक करार दिया जा रहा है। यानी 15 अगस्त की रात यूक्रेन में बहुत कुछ हो सकता है। जेलेंस्की ने अपनी स्पेशल फोर्स से एक वीडियो बनवाया और फौरन उसे बाइडेन को भेज दिया। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए और समझिए कि वीडियो बनाने का मकसद क्या रहा। Руки, сука! Давай, давай я иду. Прыгну, снимай, я сказал, блядь. Гранат вообще нет, ничего. ये पूर्वी बखमूत का वीडियो है और यहाँ यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस के एक अड्डे को घेर कर मारा है। रूस के सैनिक रंगे हाथ पकड़े गए हैं और फिर देखिए क्या हुआ। Сказал, блядь. Пацаны, побачу гранату, сука, я, блядь. Нету гранат, вообще нету, ничего нету. Там точно больше, вы трое были? Це эстет, Сантус, у нас 3 сходят. Я там уже 2 завалив, але, сука, камера не була включена, прикинь. Тихо. ближче підійди, крит. Бахмут में युद्ध खत्म नहीं हुआ है, आमने सामने की जंग अब भी जारी है। और यही बात जेलेंस्की बाइडेन को बताना चाहते हैं, क्योंकि उसके बदले उनको बाइडेन से एक बहुत बड़ी खुशखबरी का इंतजार है। Все пройшли, подивилися льошки. Там по чуть-чуть йдуть льошки, ми їх перевіряємо без стрільби. Вони, блядь, по правому флангу більше сходять. Я там вже 2 завалив. रूस के छुपे हुए सैनिकों को यूक्रेन अब छुन छुन कर मार रहा है। जेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया है कि रहम दिखाने की कोई जरूरत नहीं, रूस के सैनिकों को बख्शा ना जाए। Заходим, тут бліндаж отак іде. Треба заходити, фонарик є? Типок. Що, больно? Больно, сука, виходи, блядь. Там точно бо अब यही वीडियो जब जेलेंस्की ने जो बाइडेन के पास भेजा तो फोन पर वहां से ताली बजाने की आवाज आई और जेलेंस्की को यकीन हो गया कि उनका मकसद पूरा हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद बाइडेन का यकीन कुछ कुछ पक्का हो गया है। उन्होंने पुतिन को हराने के लिए बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। पुतिन की फौज घेर कर मारी जाए, पुतिन के फाइटर जेट यूक्रेन में ही गिरा दिए जाए, इसके लिए बाइडेन कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो चुके हैं। जेलेंस्की को बचाने के लिए अमेरिका अब कंगाल होने को तैयार है। जेलेंस्की को बचाने के लिए अमेरिका अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार, और इसीलिए अब अमेरिका ने जेलेंस्की के बैंक खाते में $21 मिलियन से ज्यादा की रकम डालने का फैसला किया है। रुपए में बदलेंगे तो ये रकम 1,75,000 करोड़ यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए होंगे, जो अब जेलेंस्की को मिल सकते हैं। 1,75,000 करोड़ रुपए से बाइडेन पुतिन को रोकना चाहते हैं, रूस को हराना चाहते हैं, वो नाटो को पुतिन के गुस्से से बचाना चाहते हैं। कीव पर हमले हो रहे हैं, खार्किव पर कब्जा करने के लिए पुतिन तैयार बैठे हैं, ओडेसा में रोज मिसाइल गिर रही है, ज़ापोरिज़्या पर दिन रात तोप से हमले हो रहे हैं। ऐसे ही अटैक को देखकर बाइडेन को एहसास हो गया है कि अब जेलेंस्की से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही हमलों को रोकने के लिए बाइडेन ने बड़ा फैसला किया और फौरन $21 बिलियन जेलेंस्की को देने का फैसला किया। इसमें से $13 बिलियन जेलेंस्की को युद्ध करने के लिए दिए जाएंगे, जबकि $8 बिलियन यूक्रेन को फिर से बनाने और राहत के काम के लिए दिए जाएंगे। लेकिन हालात तो ऐसे हैं कि जेलेंस्की को लगता है कि पूरा का पूरा फंड अब युद्ध में झोंकना पड़ेगा।
कह सकते हैं कि अब तक यूक्रेन के युद्ध में जहां एक तरफ पुतिन मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन की बरसात करते रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन धमाकों के बीच ज़ेलेंस्की पर डॉलर की बारिश होती रही है। ज़ेलेंस्की को बार बार लिफ्ट कराने की कोशिश अब तक जारी है। जाहिर है कि अब ज़ेलेंस्की को पुतिन की फौज से लड़ने के लिए फिर से नई पावर मिलने वाली है। ये ऐसी फायर पावर है जो अगर टारगेट पर लगी तो पुतिन के युद्ध को बोझ बना सकती है। इतनी ज्यादा फंडिंग और नए हथियारों के सामने रूस के लिए भी ये युद्ध लड़ना आसान नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या यूक्रेन का युद्ध अब 2023 के आखिर तक चलेगा और क्या 2024 में भी रूस के साथ जंग जारी रहेगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस के हमलों का सामना करते हुए भी अब ज़ेलेंस्की के दोनों हाथों में लड्डू हैं। पुतिन के रास्ते में बैरिकेड लगाने के लिए ज़ेलेंस्की को और पावरफुल बनाया जा रहा है। व्हाइट हाउस की बजट निदेशक शालंदा यंग ने कांग्रेस को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन को बचाने के लिए फौरन बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद और फंडिंग को लेकर अमेरिका में अब सवाल उठने लगे हैं और बाइडेन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि अमेरिका क्यों यूक्रेन में लगातार अपने डॉलर झोंक रहा है। इस वर्ष APNORC के एक ओपिनियन पोल में ये बात सामने आई थी जब 48% लोगों ने यूक्रेन को फंड देने का समर्थन किया था। 2022 में हुए ऐसे ही पोल में 60% लोगों ने इसका समर्थन किया था। यानी यूक्रेन की मदद करने को लेकर अमेरिका के लोग अब ज्यादा समर्थन नहीं कर रहे। यूक्रेन में इस वक्त युद्ध निर्णायक मोड़ पर है और रूस इस वक्त हर मोर्चे पर हावी है। खेरसोन को वापस हासिल करने के बाद से ज़ेलेंस्की कोई बड़ा कमाल करके नहीं दिखा पाए हैं और अमेरिका के लोगों को भी ये लगने लगा है कि यूक्रेन एक ऐसा कुआं बन चुका है जिसमें निवेश करने से कोई फायदा नहीं है। उनकी रकम डूबनी तय है क्योंकि ज़ेलेंस्की ज्यादा वक्त तक रूस को नहीं रोक पाएंगे। अब तक अमेरिका में यूक्रेन के लिए $113 बिलियन की मंजूरी दी जा चुकी है। $113 बिलियन का मतलब है 9,35,000 करोड़ रुपए। ये इतनी रकम है जिसे पूरी तरह स्क्रीन पर लिखना भी आसान नहीं है। यूक्रेन युद्ध के लिए इस फंडिंग का मतलब है कि इसमें ज़ेलेंस्की के लिए हथियार भी हैं, वहां रिकंस्ट्रक्शन का बजट भी है, आम लोगों की मदद भी है। एक तरह से ये यूक्रेन के गोद लेने जैसा है और उसकी आड़ में रूस से युद्ध लड़ना है, जिसे पुतिन बार बार कह चुके हैं कि नाटो अब यूक्रेन में रूस से जंग लड़ रहा है। उनकी टक्कर यूक्रेन से नहीं बल्कि नाटो के हथियारों और उसकी फौज से हो रही है। यूक्रेन का युद्ध शुरू होते ही अमेरिका ने ज़ेलेंस्की से $40 बिलियन से ज्यादा के पैकेज का वादा कर दिया था और वक्त वक्त पर अमेरिका इसे किश्त के तौर पर देता भी रहा। फंड रिलीज होते रहे, ज़ेलेंस्की को नए नए हथियार मिलते रहे और सच ये भी है कि रूस इन हथियारों को लगातार खत्म करता रहा है और नाटो से मिलने वाले तमाम हाईटेक वेपन सिस्टम रूस के हमलों में तबाह होते रहे। इससे पहले युद्ध को लेकर बाइडेन ने मई में बड़ा ऐलान किया था। तब उन्होंने युद्ध के इस आग में पेट्रोल डालने का काम किया और इससे यूक्रेन का युद्ध और भड़क गया। युद्ध और लंबा खिंचने लगा, यूक्रेन में और तबाही होने लगी, लाशों के नए पहाड़ तैयार होने लगे।
क्योंकि मई के महीने में बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक ऐसे कागज पर दस्तखत किए थे जिसमें ज़ेलेंस्की के नाम फौरन 10,000 करोड़ रुपए के हथियार देने का ऐलान किया था। ये बाइडेन की तरफ से मिला 10,000 करोड़ का बारूदी पैकेज था जिसने यूक्रेन का फ्यूल मीटर फिर से टॉप अप कर दिया, यानी ज़ेलेंस्की के हथियारों वाला गोदाम फिर से भरने की तैयारी हो गई। Того, що можна сказати публічно, є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг – 1,2 мільярда доларів. Артилерія, захист від ракет і безпілотників-терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць. Дякую президенту Байдену, Конгресу, обом партіям та кожній американській родині за незмінну підтримку і за американську силу, яка додає нам міцності. Thank you.